हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2025 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय के पेपर में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं, 70 में 70 अंक लाना चाहते हैं, तो आप इस मॉडल पेपर को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। हिंदी विषय का मॉडल पेपर है 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। यह मॉडल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो 2025 में आपका पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 10 में हैं और तैयारी कर रहे हैं 2025 बोर्ड एग्जाम की, आप लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर अगला निर्देश है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। यानी प्रश्न पत्र में जो खंड आ है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इन 20 प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट पर काले पेन से भरें या फिर नीले, हो सके तो आप काले बाल पॉइंट वाले पेन से गोला काला करेंगे। और यदि आपने इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही उत्तर भर दिया OMR शीट में तो आपको पूरे पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों अगला निर्देश है, खंड आमित बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मैंने आपको बताया ना कि 20 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। OMR उत्तर पर यानी OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। आपने एक बार जो भी गोला काला कर दिया सो कर दिया। यदि आपने यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं, ए बी सी और डी ऑप्शन है पहले प्रश्न के लिए OMR शीट में, सही विकल्प था डी वाला, गलती से आपने ए वाला गोला काला कर दिया। अब आप सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं इसको इस तरह से काट दूं या इरेजर से साफ कर दूं या वाइटनर लगा दूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप OMR शीट भरें जब तक प्रश्न का आंसर कन्फर्म ना हो जाए तब तक आप गोला ना भरें, क्योंकि ना तो आप काट सकते हैं एक बार गलती करने पर, ना ही आप इरेजर अथवा वाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है क्योंकि निर्देश में स्पष्ट लिखा हुआ है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक भी निर्धारित किए गए हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी वर्णन किया गया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न जो कि खंड आ के अंतर्गत आएंगे, पूर्णांक कितना रहेगा 20 अंकों का और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी ध्यान देंगे, पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लेना। इन प्रश्नों के अतिरिक्त मैं आपको अन्य प्रश्न भी बताता चलूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्ल युग और डी शुक्लोत्तर युग। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे शुक्लोत्तर होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा,
बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग, बी वाला ऑप्शन सही है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए, कह रहा है चिंतामणि। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि मेरे प्यारे बच्चों निबंध विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न में आता है कि चिंतामणि के लेखक कौन है, तो चिंतामणि के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आप लोग ध्यान देंगे, मैं आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताता चल रहा हूं, इसलिए आपको वीडियो को शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है चिंतामणि, यह किस विधा पर आधारित है? निबंध विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न अगला है यहाँ पर, गबन किसकी रचना है? तो गबन किसकी रचना है? गबन मेरे प्यारे बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि गबन किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। मुंशी प्रेमचंद जी की और भी प्रसिद्ध रचनाएं यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, गोदान, गबन, सेवा सदन, सेवा सदन, सेवा सदन होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर, सेवा सदन, गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि, कर्मभूमि, ये रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की ही रचनाएं हैं। और ये सभी रचनाएं मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि या समय सीमा क्या है? तो शुक्ल युग की समयावधि या समय सीमा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक का समय शुक्ल युग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड का निर्माण फिर मेरे प्यारे बच्चों आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न में यदि पूछ लिया जाए कि नीड का निर्माण फिर किसकी रचना है, तो यह रचना है हरिवंश राय, हरिवंश राय बच्चन जी की। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बताता चलूंगा, इसलिए आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? विकल्प मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से हैं, पहला विकल्प है द्विवेदी युग, दूसरा भारतेंदु युग, तीसरा प्रगतिवादी युग और चौथा छायावादी युग। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास मेरे प्यारे बच्चों द्विवेदी युग की रचना है, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यह किसकी रचना है? तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की। प्रश्न अगला है, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला मेरे प्यारे बच्चों हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। मधुबाला यदि प्रश्न में आ जाए, मधुबाला किसकी रचना है? और मधुकलश प्रश्न में यदि आ जाता है, मधुकलश किसकी रचना है? तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये तीनों ही रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, कह रहा है भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली सरण गुप्त जी की रचना है। मैथिली सरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए कि किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पर उत्तर होगा मैथिली सरण गुप्त जी को। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1843 से अब तक, सन 1843 से अब तक का जो भी समय है यह सब आधुनिक काल के अंतर्गत आता है।
प्रश्न अगला है, मतिराम किस युग के कवि हैं? तो मतिराम मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, रीति काल के कवि हैं। मतिराम की प्रसिद्ध रचना है ललित ललाम। ललित ललाम हो जाएगा यहाँ पर, आप लोग ध्यान देंगे, ललित ललाम हो जाएगा राइट आंसर। मतिराम की रचना है ललित ललाम। अगला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा यहाँ पर? शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। और निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। हास किस रस का स्थायी भाव है? हास्य रस का स्थायी भाव है। क्लियर हो गया ना आप सभी को? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, सोहत वोढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतपु पर्यो प्रकाश। यहाँ पर आप सभी लोग बताइएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर मनुमानो जनु जानो, मनुमानो जनु जानो और मनुमानो जनु जानो आदि, ये सभी उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। और जिस भी उदाहरण में इनमें से कोई भी शब्द आ जाता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपर्युक्त उदाहरण में यहाँ पर मानो लिखा हुआ है, जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कर्षण है मूल शब्द, और इसमें किसका प्रयोग किया गया है? आ, दीर्घ आ का प्रयोग किया गया है, तब ये हो गया है आकर्षण। आकर्षण में किसका प्रयोग किया गया है? दीर्घ आ, जिसे हम बड़ा आ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों, वाक्य के कितने भेद होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के या 3 प्रकार के। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। अगला प्रश्न है, पीतांबर में कौन सा समास है? तो पीतांबर में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा समास है? पीला है अंबर जिसका, यानी वस्त्र जिसके पीले हैं, वहां पर कौन सा समास है? बहुव्रीही समास होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बहुव्रीही समास। अगला प्रश्न है, आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? तो यहाँ पर विकल्प आप लोग ध्यान दीजिएगा, आंसू का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। पहला ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक बार शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग इस वीडियो को, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इस मॉडल पेपर के, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। कह रहा है, कर्तृवाच में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्तृवाच में किसकी प्रधानता होती है? कर्तृवाच में मेरे प्यारे बच्चों प्रधानता होती है किसकी? कर्ता की। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्त क्या है? तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में सर्वनाम है? तो निम्नलिखित में कौन है सर्वनाम? क्या मनुष्य होगा, बचपन, या वह, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है वह क्या है? सर्वनाम है। अब मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा, 50 नंबर का आएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
और आप देख रहे हैं गद्यांश के नीचे दिए गए हैं तीन प्रश्न। आप जब एक गद्यांश के नीचे दिए गए तीन प्रश्नों का उत्तर देंगे आपको मिलेंगे 6 नंबर। तो यहाँ पर गद्यांश जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में मेरे प्यारे बच्चों पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखा जाता है। तो यह किस पाठ से है आप ट्रिक के द्वारा पकड़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मित्रता, मित्रता पाठ से ही लिया गया है प्रस्तुत गद्यांश। और इस पाठ के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता पाठ के लेखक। इसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है, बाकी गद्यांश की व्याख्या नहीं करनी मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इस तरह का प्रश्न आएगा और इसका उत्तर आप गद्यांश से ही कर लोगे। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यहाँ पर भी पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह लिया गया है किस पाठ से? ममता पाठ से। लेखक कौन है? जय शंकर प्रसाद जी। ममता पाठ के लेखक कौन है? जय शंकर प्रसाद जी हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा है प्रश्न रेखांकित अंश की, यानी गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए यानी व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका जो है उत्तर आपको करना होगा, जो भी रेखांकित अंश होगा रेखांकित अंश उसी की व्याख्या करनी है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रश्न और है, तो इसका भी उत्तर आप गद्यांश से करेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न यह भी आएगा। पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिर लांग है। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तेहि पाई। तो यह जो है पद्यांश मेरे प्यारे बच्चों लिया गया है, क्योंकि पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यह लिया गया है पद शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं सूरदास जी। और मेरे प्यारे बच्चों सूरदास जी का कोई भी पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो एक बिल्कुल आसान सी ट्रिक है उनके पद्यांश को पहचानने की, उनके पद्यांश में सूरदास जी का नाम जरूर लिखा रहेगा। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है और जो अगला प्रश्न होगा उसका उत्तर आपको पद्यांश में ही मिल जाएगा। अथवा में यहाँ पर पद्यांश है, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नयन तिन्हें समुझाए, कछु मुश्काए चली। मेरे प्यारे बच्चों यह जो है वन पथ पर शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। कौन? तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, किसी एक गद्यांश का, जो संस्कृत का गद्यांश होगा, किसी एक का संदर्भ और उसका हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए 5 नंबर आपको मिलेंगे।
तो पहला जो यहाँ पर गद्यांश है यह किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, यह जो है मेरे प्यारे बच्चों लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से, जिसको मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। हिंदी अनुवाद का वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अथवा में जो यहाँ पर है संस्कृत का गद्यांश मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, यह मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पांच नंबर का प्रश्न आएगा। संस्कृत का यहाँ पर पहला पद्यांश है मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो यह मेरे प्यारे बच्चों जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से रचित है। और अथवा में जो यहाँ पर पद्यांश है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चिद् दुख भाग भवेत, यह लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तीन नंबर का प्रश्न आएगा। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य से दो दो प्रश्न है। जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसमें से किसी एक प्रश्न का, यानी ये दो प्रश्न आएंगे और आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, तीन नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस तरह के प्रश्न आएंगे। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस जिले से हो और आपके जिले में कौन सा खंड काव्य निर्धारित है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 का है। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पांच नंबर का प्रश्न आएगा। तो ये सभी जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लेना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये सभी जीवन परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगला प्रश्न है दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए अपनी यानी उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय, सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये तीनों ही जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। पाँच नंबर का प्रश्न यह भी आएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मेरे प्यारे बच्चों दो नंबर का प्रश्न आएगा। और आप श्लोक ये नहीं कि प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पर आप देख सकते हो दो श्लोक आए हुए हैं, इनको छोड़कर यानी जो पेपर में नहीं आए हैं उसी में से किसी एक को लिखना है। ये नहीं जो चार संख्या यानी प्रश्न संख्या 4 में पूछे गए हैं उन्हीं में से आपको ये लिख दो, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि स्पष्ट है कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वही श्लोक आप लिखोगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर अगला प्रश्न है पुरु राजा का आसीत, चंद्रशेखरा का आसीत, वीरा केन पूजते, ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आप लोग जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न संख्या 9 है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर का प्रश्न आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर आप निबंध तैयार कर लीजिएगा और आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण, ये सभी विषय मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आप लोग जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा आप एक प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो
उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि 2025 में हिंदी विषय का पेपर कैसा आएगा। पेपर को मैंने साल्व भी कराया है, कई मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 का स्कोर कराने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे प्यारे बच्चों चैनल के साथ जुड़कर 2025 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करना स्टार्ट कर दो। जय हिंद।